हेलो नाउ लेट वी स्टार्ट क्लास एक्सरसाइज स्टार्ट थ्रीडार्ट क्वेश्चन पी आर इक्वल टू सेवन सेंटीमीटर ओ इज सेंटर ऑफ सर्किल तो यहाँ पर ओ सेंटर ऑफ सर्किल है सेंटर ऑफ सर्किल है ओ तो आर क्यू कहिए क्यू आर क्यू आर विल बी दीटर ऑफ द सर्किल क्यू आर डायमीटर होगा है, है, होगा. जो होता है, वो सेमी ये एक से, तो नाइन्टी डिग्री होता है राइट एंगल होता है, होता है. ये आँगर, आँगर आपने देखा होगा थ्योरम क्लास नाइन की थ्योरम है द एंगल ऑन द सेमी सर्किल इज राइट एंगल ट्राइंगल तो, तो, तो एंगल पी क्यू डायमीटर से बना एंगल है तो विच विल बी द नाइन्टी डिग्री तो एंगल पी क्यू नाइन्टी डिग्री होगा तो ट्राएंगल आरपी क्यू एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज पायथोगे आरक्यू का स्क्वायर पी एंगल नाइनटी डिग्री है तो पी के सामने वाली हाइपोटेनियस होगी तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथोगल आरपी क्यू तो आरक्यू का स्क्वायर इक्वल टू आरक्यू का स्क्वायर इक्वल टू आरपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर तो ये आर पी स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर पुट करेंगे सेवन और ट्वेंटी फोर की है क्वेश्चन में ये पी क्यू और पी आर तो ट्वेंटी फोर का स्क्वायर प्लस सेवन का स्क्वायर अप करेंगे सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन ट्वेंटी फोर का स्क्वायर फाइव सेवेंटी सिक्स तो वैल्यू आ जाएगी सिक्स ट्वेंटी फाइव एंड आर क्यू स्क्वायर आएगा सिक्स ट्वेंटी फाइव आर क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो रूट से सिक्स ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव आ जाएगा तो ये आर क्यू जो होगा ये डायमीटर होगा डायमीटर फाइन कर लिया हमने ट्वेंटी फाइव तो रेडियस आ जाएगी डायमीटर अपॉन टू ट्वेंटी फाइव टू तो रेडियस ओ आर कही है या ओ क्यू कहिए तो रेडियस आ जाएगी ट्वेंटी फाइव टू ओके रेडियस आ गई तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल तो फाइंड कर ही लेंगे हाफ पाई आर स्क्वायर से तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हाफ सर्किल तो बिल्कुल ब्लैंक ही है प्लेन है आ, तो उसकी बात नहीं करते हैं हम उस सेमी सर्किल की बात करते हैं जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल भी आ रहा है तो हमें शेडेड एरिया फाइंड करना है शेडेड एरिया फाइंड करने के लिए क्या करते हैं टोटल एरिया माइनस अनशेडेड एरिया यहाँ पर टोटल एरिया एक तरह से देखें सेमी सर्किल है सेमी सर्किल पी क्यू क्यू से जो बन रहा है सेमी सर्किल uh, का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करते हैं अनशेडेड एरिया तो शेडेड एरिया बचेगा तो टोटल एरिया माइनस अनशेडेड एरिया इक्वल टू शेडेड एरिया आ जाएगा तो शेडेड एरिया फाइंड करने के लिए टोटल एरिया यहाँ पर सेमी सर्किल का एरिया है हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे इसमें ट्राइंगल का एरिया ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे तो वन अपॉन टू बेस कितना आरपी और हाइट कितनी पी क्यू तो हाफ बेस इंटू हाइट से राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हम इजीली फाइंड कर पाएंगे हाफ आई आर स्क्वायर से सेमी सर्कल का एरिया आएगा सेमी सर्कल के एरिया में से हम ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देते हैं तो हमारे पास शेडेड एरिया इजिली फाइंड हो जाएगा तो सेमी सर्कल का एरिया हाफ आई आर स्क्वायर से आ चुका है आर की वैल्यू ट्वेंटी आर का स्क्वायर कर देंगे का स्क्वायर तो वैल्यू आ जाएगी इस तरह से सॉल्व करके सिक्स एट सेवन फाइव ट्वेंटी हाफ बेस इंटू हाइट से लगाएंगे हाफ बेस इंटू हाइट हाफ आर पी बेस है एंड हाइट पी क्यू है तो हाफ बेस इंटू हाइट से इसका आंसर आ जाएगा पी क्यू और पी आर की वैल्यू रख देंगे तो टू से ट्वेंटी फोर कैंसिल ट्वेल्व टाइम्स ट्वेल्व सेवन एर तो माइनस करेंगे इसको माइनस करने के बाद इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा एलसीएम लेके करें या डिवाइड uh, कर लें पॉइंट्स में निकाल लें उसके बाद एटी फोर माइनस कर लें कैसे भी कर सकते हैं तो इसका एक शॉर्ट तरीका भी है आप अलग अलग नहीं निकालना चाहते हैं सेमी सर्कल का एरिया इसमें जैसे अलग फाइंड किया सेमी सर्कल का एरिया ट्राइंगल का एरिया आप डायरेक्ट अगर इसको करना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेथड भी है डायरेक्ट मेथड में आप क्या करेंगे आ, आप पाइथागोरस से निकाल ही चुके हैं आर क्यू ट्वेंटी फाइव रेडियस फाइन कर लेंगे ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू तो शेडेड एरिया हमें फाइन करना होता है तो टोटल एरिया माइनस अनशेडेड एरिया एक तरह से यहां पर एरिया ऑफ सेमी सर्कल है माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कर देंगे तो यहाँ पर एक बार में ये आंसर आ जाएगा एक ही लाइन में आप इसको डायरेक्ट यहीं पर सॉल्व कर लें पाईआर स्क्वायर बाई टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस हाफ बेस इन टू हाइट एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो इसको यहीं सॉल्व कर लें डायरेक्ट माइनस कर लें तो इससे हमारे स्टेप्स कम हो जाते हैं तो इसको डायरेक्ट इस तरीके से भी कर किया जा सकता है और या लॉन्ग मेथड मतलब एक तरह से हम अलग अलग एरिया फाइन करें देन उसको माइनस करें तो ये इजी रहता है अगर आप डायरेक्ट माइनस कर पाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं इसमें भी एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है यहाँ पर टू सेक्टर्स हैं बड़े सेक्टर मतलब टोटल एरिया में से अनशेडेड एरिया माइनस करेंगे तो शेडेड एरिया बचेगा तो बड़ा वाला जो सेक्टर है इसमें से माइनस करेंगे छोटा वाला सेक्टर तो यहाँ पर हमारे पास बड़ा सेक्टर ये पूरा सेक्टर है इसमें से हम क्या हटा देते हैं ये वाला सेक्टर हटा देते हैं ऊपर वाला जो अनशेडेड है तो हमारे पास क्या बचेगा ये बचेगा शेडेड एरिया तो इस तरह से करेंगे हम यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो टू सेक्टर्स हैं इस पूरे सेक्टर में से हम माइनस कर रहे हैं कौन सा वाला सेक्टर ये वाला हटा देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास ये वाला शेडेड एरिया आ जाएगा जो हमें फाइंड करना है हमें क्या फाइंड करना है शेडेड एरिया तो बड़े वाले सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर माइनस कर देंगे तो शेडेड एरिया बचेगा तो बिगर एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ये स्मॉलर सेक्टर माइनस कर देंगे इसमें से हटा देंगे तो शेडेड एरिया बचेगा तो सेक्टर का एरिया थीटा पॉइंटी इंटू पाई आर स्क्वायर होता है आ, पाई कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल आर स्क्वायर लिखे और पाई स्मॉल आर स्क्वायर तो बड़े वाले सेक्टर के लिए लिखेंगे थीटा पॉइंट थ्री सिक्सटी इंटू पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर यहाँ पर आर कैपिटल ले रहे हैं कैपिटल जो है वो फोर्टीन गे वन है जो बड़े वाले सेक्टर की रेडियस है ये फोर्टीन है एंड छोटे वाले सेक्टर की रेडियस है सेवन तो छोटे वाले सेक्टर की रेडियस है स्मॉल आर वो सेवन गिवन है तो यहाँ पर एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर करके भी कर सकते हैं तो एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर थीटा अपॉन थ्री सिक्स इंटू फाइआर स्क्वायर यहाँ पर कितना गिवन है फोर्टी तो थीटा के प्लेस पर यहाँ फोर्टी पुट कर देंगे कैपिटल और स्मॉल आर सेवन है तो इस तरह से हम आंसर फाइन कर लेंगे वैल्यू पुट करके थीटा फोर्टी पुट करेंगे और कैपिटल आर फोर्टीन स्मॉल आर सेवन तो आंसर आ जाएगा बड़े सेक्टर में से माइनस करने पर छोटा सेक्टर एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे अभी हमने बताया था एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर तो बड़े सेक्टर के लिए हमने कैपिटल आर यूज किया रेडियस और छोटे सेक्टर की रेडियस स्मॉल यूज थीटा 40 सेम है दोनों के लिए तो कॉमन uh, लेके करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा फोर्टी से थ्री सिक्सटी हमने कैंसिल कर लिया है तो फोर्टी से थ्री सिक्सटी कैंसिल करेंगे तो फोर नाइन जै थी जीरो से तो जीरो कैंसिल फोर नाइन जै थर्टी सिक्स होता है तो वन अपॉइंट नाइन पाई आ रहा है दोनों में से कॉमन वन अपॉन नाइन पाई अगर देखें तो वन अपॉन नाइन पाई यहाँ पर यहाँ पर दोनों में से कॉमन आ रहा है एक बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा यहाँ फोर्टीन का स्क्वायर बचेगा यहाँ सेवन का स्क्वायर बचेगा जिसको अंदर लिख दिया तो फोर्टीन का स्क्वायर मैंने सेवन का स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे फोर्टीन का स्क्वायर वन नाइनटी सिक्स होता है सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन होता है माइनस करने पर आ जाएगा वन फोर्टी सेवन जिसको पाई की वैल्यू रखेंगे ट्वेंटी टू अपॉन सेवन सेवन से कैंसिल हो जाएगा वन फोर्टी सेवन ट्वेंटी वन टाइम्स और इसको सॉल्व कर लेंगे 22 थ्री से कैंसिल से हो सकते हैं एंड तो उसके बाद सॉल्व करेंगे तो वन फिफ्टी फोर ट्वेंटी में मल्टीप्लाई करके 154 three, इसका आंसर होगा तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर को तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में भी एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है तो यहाँ पर टोटल एरिया माइनस अनशेडेड एरिया करते हैं तो शेडेड एरिया आ जाएगा टोटल एरिया एरिया ऑफ स्क्वायर है एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड साइड ऑफ स्क्वायर जो है फोर्टीन है तो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा साइड इंटू साइड फोर्टीन इंटू फोर्टीन होगा दैट मीन फोर्टीन का स्क्वायर होगा जो यहाँ पर सॉल्व कर ही रखा है फोर्टीन का स्क्वायर वन नाइन सिक्स आ गया तो टोटल एरिया यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर है तो टोटल एरिया में से हम ये अनशेडेड एरिया हटा दें ये अनशेडेड एरिया क्या है हमारे पास टू सेमी सर्कल्स हैं तो टू सेमी सर्कल्स के लिए टू इंटू हाफ पाईआर स्क्वायर यूज कर सकते हैं तो एक तरह से टू सेमी सर्कल मिला के एक फुल सर्कल आ जाता है तो पाईआर स्क्वायर आर रेडियस जो होगी वो सेवन होगी क्योंकि फोर्टीन डायमीटर बन गया है एक तरह से साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो डायमीटर है फोर्टीन तो रेडियस हो जाएगी इसकी हाफ रेडियस uh, हो जाएगी डायमीटर अपॉन टू सेवन आ जाएगी रेडियस इसकी तो रेडियस सेवन आ जाएगी इसमें पुट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा इसमें एरिया ऑफ सेमी सर्कल एक सेमी सर्कल का फाइंड किया है अभी जो शो हो रहा है आपको हाफ पाई आर स्क्वायर बट यहाँ पर दो सेमी सर्कल है कितने सेमी सर्कल है यहाँ पर एक ये वाला और एक ये वाला दो सेमी सर्किल हैं तो दो के लिए टू की मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में या सेवेंटी सेवन एक सेमी सर्किल का हमने फाइंड किया है हम सेवेंटी सेवन 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 दो बार माइनस करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ स्क्वायर में से टू सेमी सर्कल्स माइनस होके शेडेड एरिया बचेगा हमारे पास जो हमें फाइंड करना है तो इसको भी शॉर्ट तरीके से इस तरह से कर सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड होता है फोर्टीन इंटू फोर्टीन डायरेक्ट एक स्टेप में लिखें एरिया ऑफ माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स टू सेमी सर्कल्स के लिए टू इंटू हाफ पाईआर स्क्वायर किया है हाफ पाईआर

तो इसको इस तरह से इजीली सॉल्व हम कर पाएंगे अगर हम इसको डायरेक्ट माइनस यहीं पर कर लेते हैं अलग अलग फाइंड ना करके डायरेक्ट एक स्टेप में माइनस कर दें तो इससे इजीली रहता है फाइंड करना आंसर इस तरह से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थ्री भी होता है इसको माइनस अलग अलग ना निकाल के एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ सेमी सर्कल अलग अलग फाइंड ना करके हम इसको डायरेक्ट एक स्टेप में माइनस कर सकते हैं तो इसको डायरेक्ट एक स्टेप में माइनस करके करें या फिर वन नाइंटी सिक्स माइनस सेवेंटी सेवन माइनस सेवेंटी सेवन एरिया ऑफ टू सेवन सर्कल्स माइनस करें एरिया ऑफ स्क्वायर में से तो आ जाएगा शेडेड एरिया क्वेश्चन नंबर फोर्थ में यहां पर एक तरह से देखा जाए ये फिगर गिवन है इसका शेडेड एरिया फाइन करना है इसके दो मैथड है एक शॉर्ट मैथड है शॉर्ट मेथड ये कहता है वैसे तो हमें पूरी फिगर का एरिया फाइन करना है पूरा ही शेड हो रहा है इसमें तो यहाँ पर जो गिवन है यहाँ पर ट्रायंगल है जो ट्रायंगल है एंड एक ऊपर सर्कुलर आर्क दे रखा है सर्कुलर आर्क की रेडियस दे रखी है सिक्स तो यहाँ पर जो सर्कुलर आर्क है इसकी रेडियस कितनी गिवन है सिक्स एंड इक्विलेटर ट्राइंगल की साइड कितनी गिवन है ट्वेल्व ट्वेल्व गिवन है साइड यदि इसकी इसकी साइड ट्वेल्व गिवन है तो सिक्स इतना है और सिक्स नीचे होगा तो सिक्स सिक्स हाफ हाफ डिवाइड हो गया यहाँ पर सिक्स नीचे आएगा पोर्शन और सिक्स ऊपर जाएगा सर्किल के अंदर तो इसका सिक्स पोर्शन जो रहेगा वो सर्कल के बाहर एक तरह से ट्राइंगल ट्राइंगुलर पार्ट जो सर्किल के बाहर आ रहा है सिक्स बाहर रहेगा सिक्स अंदर रहेगा तो टोटल ट्वेल्व आती है इसकी साइड साइड ऑफ इक्वेलेटर ट्राइंगल तो यहाँ पर ट्वेल्व साइड ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल की वन है और सर्कुलर सर्कुलर आर्क की रेडियस है सिक्स तो यहाँ पर हमें टोटल एरिया फाइंड करना है तो इजी मेथड ये है तो हमें जो पता होता है इक्विलेटर ट्रायंगल का एंगल कितना होता है सिक्सटी डिग्री इक्विलेटर ट्रायंगल का एंगल होता है सिक्सटी डिग्री का और हमें पता है सेंटर के अबाउट टोटल एंगल का सम कितना होता है टोटल एंगल का सम होता है थ्री सिक्सटी सेंटर के अबाउट जितने भी एंगल बनते हैं टोटल एंगल का सम थ्री सिक्सटी हमें अंदर वाले ट्रायंगल का पता है ट्रायंगल का 60 है एंगल अब हमें बाहर का फाइंड करना है तो 360 में से 60 माइनस करके हम बाहर वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं अंदर वाला हमें पता है 60 इस 60 इस को 360 में से हटा देंगे तो हमें ये बाहर वाला पता चल जाएगा एंगल 300 का तो 360 में से 60 डिग्री माइनस करेंगे अंदर वाला माइनस कर देंगे तो ये हमें पता चल जाएगा बाहर वाले का 360 टोटल होता है उसमें से अंदर 60 वाला हटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 300 तो यहाँ पर इस सेक्टर का एरिया कैसे आएगा थीटा अपॉन थी पाई टीटा स्क्वायर जहां पर एंगल होगा हमारा थीटा यहाँ पर थ्री हंड्रेड लेंगे क्योंकि बाहर वाला आर्क ले रहे हैं इसमें प्लस कर देंगे इक्विलेटर ट्रैंगल का एरिया रूट थ्री ए स्क्वायर बाई फोर रूट थ्री ए स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर बाई फोर ए साइड ऑफ इक्विलेटर ट्रांगल ट्वेल्व पुट करेंगे ए की जगह और आर की जगह सिक्स पुट करेंगे रेडियस सिक्स के वन है थीटा यहाँ पर थीटा की जगह यहाँ पर थ्री सिक्सटी पुट थ्री सिक्सटी माइनस सिक्सटी तरह से थर्टी थ्री हंड्रेड पुट करेंगे जिससे कि हमारा सिर्फ इतना इतना एरिया आएगा ये ये वाले आर्क का तो थीटा यहाँ पर पुट होगा थ्री हंड्रेड थ्री सिक्सटी माइनस सिक्सटी क्योंकि सिक्सटी अंदर है एंगल तो हमें भार वाला लेना है कितना लेना है थ्री हंड्रेड तो थीटा के प्लेस पर थ्री हंड्रेड पुट करेंगे और आर यहाँ पर कितना गिवन है आर रेडियस है सिक्स तो इसको एक मेथड यही है जो हमने अभी बताया थ्री सिक्सटी माइनस सिक्सटी करें थ्री हंड्रेड आ जाएगा भार वाला जो एंगल है तो थ्री हंड्रेड थीटा अपॉन थ्री सिक्सटी टू पाई आर दैट मीन थ्री थ्री हंड्रेड अपॉन थ्री सिक्सटी टू फाई आर्स भार वाले सर्कुलर आर्क का आ जाएगा एरिया इसमें एरिया ऑफ इक्वेलेटर ट्रायंगल एड कर देंगे रूट थ्री स्क्वायर बाई फोर ए यहाँ पर साइड ऑफ इक्विटर ट्रैंगल कितनी है ट्वेल्व है और रेडियस रेडियस यहाँ पर सिक्स दे रखी थी आर्क की सर्कुलर आर्क जो दे रखा है उसके लिए ठीठा थ्री हंड्रेड लिया है क्योंकि भार वाला एरिया है तो एक तो ये मेथड हम भार वाले आर्क का एरिया फाइंड कर लें और उसमें ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दें तो ये टोटल एरिया बन जाएगा आ, सर्कुलर आर्क का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया तो हम थ्री हंड्रेड से करते हैं यदि और दूसरा मेथड भी होता है दूसरा मेथड जैसे कि इसमें शो है आपको आप अंदर वाले सेक्टर का एरिया फाइंड कर लें थीटा पॉइंट थ्री सिक्सटीन टू पाई आर स्क्वायर से तो यहाँ पर जो सेक्टर का एरिया हमारे हमारे पास आएगा वो होगा हाँ थ्री सिक्सटी अपॉइंट थ्री सिक्सटी टू पाई आर स्क्वा ये वाला सेक्टर का एरिया आ जाएगा हाँ ये सेक्टर का एरिया हमारे पास आ चुका है ये इससे और हमें पता है 6 है रेडियस एंगल एंगलटी का है है ट्रायंगल इस से इसमें सेमी सर्कल में से सेमी सर्कल का एरिया होता है पाईआर स्क्वायर इस टोटल एरिया में से हम ये वाला सेक्टर हटा हटा देंगे ये सेक्टर का एरिया हटा देंगे सेक्टर का एरिया कितना आया था हमारे पास थर्टी टू अपॉइंट सेवन तो हमारे पास ये ऊपर वाला एरिया बचेगा ये टोटल एरिया में हम इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं बाहर वाले का एरिया तो इसके लिए हम क्या करेंगे सर्किल टोटल तो सर्किल तो तो के एरिया में से सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास ऊपर वाला एरिया आ जाएगा इसमें इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया ऐड कर देंगे तो यहाँ पर वही फाइंड किया है पहले सेक्टर का एरिया फाइंड किया है इक्वेलेटर ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया है और सर्किल का एरिया भी फाइंड किया है जो हमें चाहिए तो लास्ट में हम शेडेड एरिया अगर देखें तो शेडेड एरिया यहाँ पर कैसे आएगा Area of triangle, triangle पूरा लिया है इस में से हमने ये जो है है इसमें कर दिया इस अगर हम ट्रैंगल की बात करें तो यहाँ पर हमने ये ट्राइंगल का एरिया एड ट्राइंगल का एरिया लिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ एरिया ऑफ सर्किल लिया है हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ सर्किल लेने में हमारा ये वाला पार्ट दो बार आ रहा है ये वाला पार्ट सेक्टर uh, जो है वो दो बार आ रहा है इसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेक्टर uh, का एरिया एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इससे हमारा ये एरिया एक बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये कितनी बार बचेगा एक बार बचेगा तो टोटल एरिया आ जाएगा तो यहाँ पर हमने क्या किया ट्रायंगल का एरिया प्लस सर्किल का एरिया ट्रायंगल का एरिया लिया सर्किल का एरिया लिया जिसमें हमारा ये वाला हिस्सा दो बार आ रहा है सेक्टर का और इसको हटा देंगे एक बार तो ट्रायंगल का एरिया प्लस सर्कल का एरिया ट्रायंगल का एरिया और सर्कल का एरिया लेने से हमारा ये सेक्टर ट्रायंगल के में भी इंक्लूड होता है और सर्कल में भी इंक्लूड होता है दो बार नहीं लेना इसको एक बार लेना है इसलिए तो हम इसको हटा देंगे सेक्टर का एरिया माइनस हो जाएगा तो इस तरह से भी कर सकते हैं ट्रायंगल का एरिया प्लस सेम सर्कुलर आर्क का एरिया हाँ सर सर्कुलर आर्क पूरे एक तरह से सर्कल का एरिया ऐड करेंगे ट्रायंगल के एरिया में पूरे सर्कल का एरिया ऐड कर रहे हैं तो ये सेक्टर एरिया सब ट्रैक करेंगे तो ये एक बार ही बचेगा सेक्टर का सेक्टर दो बार जो आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं वैसे फर्स्ट मेथड फोर्थ का ज्यादा इजी था जो शॉर्ट तरीका बताया है कि थ्री हंड्रेड करके कर ले तो इससे ज्यादा इजी रहेगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ फिफ्थ में आपको शेडेड एरिया करना है यहाँ पर स्क्वायर है टोटल एरिया है एरिया ऑफ स्क्वायर स्क्वायर में से अनशेडेड वाला हटाना है एरिया ऑफ सेंट्रल हटाना और है और एरिया ऑफ चार क्वाड्रेंट है कॉर्नर्स में स्क्वायर के तो वो हटाने हैं तो यहाँ पर एक तरह से क्या करेंगे यहाँ पर हम करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड होता है एरिया ऑफ स्क्वायर टोटल एरिया एरिया ऑफ स्क्वायर जो आएगा वो साइड इंटू साइड होगा तो टोटल एरिया जो होगा एरिया ऑफ स्क्वायर होगा जो कि साइड इंटू साइड होगा इसमें से माइनस करेंगे हम क्या सेंटर वाला सर्किल सेंटर वाला सर्किल का एरिया पाईआर स्क्वायर लिख देते हैं चलिए और इसमें इंक्लूड करेंगे चारों ये टोटल एरिया तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया अब अनशेडेड वाला लेते हैं अनशेडेड वाले में हमने ये ले लिया जो की पाईआर स्क्वायर है सर्किल है और चार सेक्टर चार क्वाड्रेंट बन रहे हैं चार क्वाड्रेंट के लिए थीटा अपॉन थ्री सिक्स टू पाईआर स्क्वायर लगाए या वन पॉइंट फोर पाईआर स्क्वायर लिख दें क्योंकि नाइनटी अप्री सिक्सटी एंगल थीटा नाइनटी है उससे भी करेंगे तो बात वही रहेगी वही आएगा तो नाइनटी अपॉइंट थ्री सिक्सटी एक तरह से वन बाई फोर ही होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल का वन फोर्थ हिस्सा होता है तो वन अपॉइंट फोर ही आता है चार क्वाड्रेंट है इसलिए चार की मल्टीप्लाई करिए कॉर्नर्स पे कितने हैं क्वाड्रेंट ऐसे चार क्वाड्रेंट है तो चार की मल्टीप्लाई करिए फोर से फोर तो कैंसिल हो गया तो यहां पर सिक्सटीन माइनस ये कितना बचेगा पाईआर स्क्वायर पाई कैपिटल आर स्क्वायर सेंटर वाला सर्किल है ये आर इसकी रेडियस लिए कैपिटल आर और स्मॉल आर जो ली है वो जो कॉर्नर्स पे है इनके लिए है तो स्मॉल uh, आर और कैपिटल आर फाइंड कर लेंगे तो आराम से एरिया आ जाएगा uh, जो सेंटर वाला है उसका डायमीटर दे रखा है टू uh, तो कैपिटल आर रेडियस कितनी हो जाएगी डायमीटर अपॉन टू टू बाय टू तो वन आ जाएगी इसकी रेडियस तो कैपिटल आर कितना आ गया वन आ गया एंड स्मॉल आर जो है ऑलरेडी वन गिवन है uh, जो कॉर्नर्स पे ये क्वाड्रेंट है ऑलरेडी रेडियस कितना गिवन है वन है यहाँ पर गिवन है रेडियस वन तो यहाँ पर जो कॉर्नर्स पे है उनका रेडियस वन गिवन है तो कॉर्नर्स वालों का रेडियस वन गिवन है यहाँ पर हमने एरिया ऑफ स्क्वायर किया था साइड इंटू साइड टोटल एरिया माइनस अनशेडेड एरिया अनशेडेड एरिया में एरिया ऑफ सेंट्रल सर्किल माइनस एरिया ऑफ चार क्वाड्रेंट लिए थे वन पॉइंट फोर पाई स्क्वायर नाइनटी पॉइंट थ्री सिक्स इंटू पाई स्क्वायर करें या वन पॉइंट फोर पाईआर स्क्वायर करें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है तो यहाँ पर पाई इंटू वन का स्क्वायर होगा और दूसरा ऐड करेंगे सारे ऐड होंगे क्वाड्रेंट और सेमी सेंटर uh, वाला सर्किल और ये पाई इंटू वन का स्क्वायर स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों वन आएंगी यहाँ पर स्मॉल आर भी वन आएगी और कैपिटल आर भी कितनी आएगी वन आएगी तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं सिक्सटीन में से माइनस हो जाएगा टू पाई ये पाई इंटू वन का स्क्वायर पाई आएगा और पाई इंटू वन का स्क्वायर पाई आएगा तो टू पाई होगा टू पाई आ जाएगा टू पाई टू इंटू ट्वेंटी टू सेवन आ जाएगा तो डेट मीन फोर्टी फोर सेवन तो सिक्सटीन में से माइनस कर लेंगे फोर्टी फोर अपॉइंट सेवन तो इस तरह से आंसर आ जाएगा तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको सिक्सटीन माइनस फोर्टी फोर अपॉइंट सेवन दे रखा है देखिए लास्ट में लास्ट में यही आया है सिक्सटीन माइनस फोर्टी फोर अपॉइंट सेवन ओके तो इसको लॉन्ग मेथड से करें या शॉर्ट मेथड से करें बात एक ही है तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सेंट्रल सर्किल माइनस हुआ है और एरिया ऑफ फोर क्वाड्रेंट माइनस हुआ है वही क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इन साइड इसमें सेंटर वाला सर्किल हटाया है और चार क्वाड्रेंट वाले हटाए हैं फोर क्वाड्रेंट अलग अलग फाइन करें या डायरेक्ट फाइन करें डायरेक्ट फाइन करना ज्यादा इजी है जैसा अभी बताया गया था तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स में इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस थर्टी टू ए डिजाइन इज फॉर्म लिविंग एन इक्विलेटर ट्राइंगल तो सर्कुलर टेबल है इसमें एक इक्टेटर ट्राइंगल छोड़ के बाकी को डिजाइन किया गया है इन द मिडिल शोन इन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन डिजाइन का एरिया फाइंड करना है डिजाइन अगर देखें यहाँ पर ये इक्ुलेटर ट्राइंगल है यदि तो इक्ुलेटर ट्राइंगल जरूर है तो यहाँ पर इक्लेटर ट्राइंगल का ईच एंगल जो होता है वो सिक्सटी का होता है तो एरिया इक्ुलेटर ट्राइंगल का एंगल होता है सिक्सटी का हम इक्ुलेटर ट्राइंगल का कंसेप्ट लगाएं दो मैथा डेमेस के करने के या फिर हम इसमें एक काम करते हैं परपेंडिकुलर पेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमने परपेंडिकुलर या कह लीजिए मीडियन इक्विलेटर ट्रायंगल में परपेंडिकुलर मीडियन सेम होगा तो हमने मीडियन ड्रॉ करी है एडी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और रेडियस ऑफ सर्कल थर्टी टू यहाँ पर हमने मीडियन ड्रॉ करी है एडी मीडियन है तो हमें ये पता होता है ओ ए जो होती है जो ओ ए रेडियस है ये टू बाई थ्री होती है डी का ये कंसेप्ट हमें पता है तो यहाँ पर ओ ए जो है वो रेडियस है ओ ए रेडियस है वो मीडियंस जो होती है मीडियंस uh, जो होती है जो ये uh, एक तरह से अंदर जो ट्रायंगल बनता है इसकी जो मीडियन है टू रेशो वन में डिवाइड करती है ये टू होता है वन होता है तो टू रेशो वन होता है टू uh, रेशो वन होता है ये याद रखने वाली बात है अगर ये टू रेशो वन होता है तो ऊपर वाला पार्ट टू जा रहा है टू अपॉन टोटल टोटल टू प्लस वन थ्री आएगा ऑफ किसका ए डी का तो ऊपर वाला जो हिस्सा ए ओ कही है या ओ ए कहिए ओ ए हिस्सा हमें फाइंड करना है तो ओ ए ये है और ओ ये है सेंटर वाला तो ओ ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो होगी टू बाई थ्री ऑफ डी ओ ए हमारे पास क्या आएगा क्योंकि ये टू रेशो वन होता है तो ओ ए की वैल्यू आएगी टू बाई थ्री ऑफ ए डी तो ओ ए की वैल्यू आती है टू बाई थ्री ऑफ ए डी तो हमें यहाँ पर uh, ओ ए एक तरह से टू बाई थ्री ऑफ AD होता है और ओ ए हमें गिवन है ऑफ सर्कल कितनी गिवन है थर्टी टू थर्टी टू इक्वल टू टू बाई थ्री ऑफ AD तो यहाँ पर AD की वैल्यू फाइंड करेंगे थर्टी टू इंटू थ्री अपॉन टू तो कितना आ जाएगा AD यहाँ पर तो टू से कैंसिल करेंगे सिक्सटीन टू या थर्टी टू होता है सिक्सटीन थ्री या फोर्टी एट तो AD की वैल्यू आ जाएगी फोर्टी एट एडी की वैल्यू हमने फाइन कर ली है फोर्टी एट सेंटीमीटर तो यहाँ पर ए आ चुका है फोर्टी एट सेंटीमीटर ए uh, डी की वैल्यू फोर्टी एट सेंटीमीटर आ चुकी है जो कि यहाँ पर ये यह परपेंडिकुलर है एक तरह से तो इन ए बी डी ए डी बी में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं इन ए डी बी तो हम बना फिगर एक बार ड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सर्कल था और एक ट्राएंगल था जिसमें हम ए बी डी में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं ऊपर वाला ए है एंड बी और डी ए बी डी में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर ये यह हमारी फोर्टी एट आई थी और ये साइड ऑफ ये बी डी जो होगी वो बी सी का हाफ होगी साइड ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल हम फाइंड कर पाएंगे इससे ए बी बी सी और ए सी तीनों इक्वल होंगी साइड्स ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं ट्राइंगल डी बी तो डी नाइनटी का इसके सामने वाली होगी हाइपोटेनियस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर तो बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर करेंगे डी का स्क्वायर मतलब फोर्टी एट स्क्वायर रख देंगे और डी को B, लिखेंगे डी स्क्वायर को बी डी को लिखेंगे बीसी बाई टू मीडियन जो होती है हाफ ऑफ करती है एल्टीट्यूड जो होता है इसका हाफ करता है तो बी डी की जगह क्या रखेंगे बी डी को रखेंगे बीसी अपॉन टू बी सी अपॉन टू बी डी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर बीसी अपॉन टू तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे बीसी को ए बी भी लिख सकते हैं क्योंकि बीसी और ए बी इक्वल इक्वली होंगी तो एबी स्क्ट का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर फोर आ जाएगा एबी स्क्ट फोर दूसरी साइड जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर फोर ये दूसरी तरफ चला जाएगा ए बी स्क्वायर फोर तो यहाँ पर फोर्टी एट स्क्वायर आ जाएगा एक तरह से और एलसीएम लेंगे यहाँ पर फोर तो फोर ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर एक तरह से थ्री ए बी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर ऊपर नीचे वन मान के करेंगे एलसीएम लेंगे थ्री ए बी स्क्वायर इक्वल अपॉन फोर इक्वल टू फोर्टी एट का स्क्वायर तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो एबी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी फोर्टी एट का स्क्वायर इंटू फोर अपॉन थ्री तो एबी स्क्वायर कैसे आएगा फोर्टी एट का स्क्वायर ए बी स्क्वायर अगर सॉल्व करें तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू फोर्टी एट इंटू फोर अपॉन थ्री स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर फोर्टी एट का स्क्वायर है ये यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे रूट आएगा तो फोर्टी एट का स्क्वायर फोर्टी एट हो जाएगा फोर का टू आ जाएगा और थ्री रूट में रहेगा तो फोर्टी एट इंटू टू अपॉन रूट थ्री आ जाएगा रूट uh, थ्री को रेशलाइज भी कर सकते हैं रूट थ्री को रेशलाइज करेंगे तो रूट थ्री के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे रूट थ्री रूट थ्री थ्री हो जाता है तो 96 सिक्स इंटू रूट थ्री अपॉन थ्री थ्री से कैंसिल करेंगे थ्री और सिक्स तो थर्टी टू रूट थ्री आ जाएगा ए बी साइड ऑफ इक्टर साइड ऑफ इक्टर फाइंड करने से हमें एरिया ऑफ इक्टर पता चल जाएगा तो सर्कल के एरिया में से का एरिया माइनस हो जाएगा तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा तो एरिया ऑफ डिजाइन कैसे आएगा यहां पर टोटल एरिया माइनस अनशेडेड एरिया टोटल एरिया यहाँ पर सर्किल है एक पूरा हाँ तो टोटल एरिया यहाँ पर क्या है एरिया ऑफ एक तरह से सर्किल तो टोटल एरिया यहाँ पर क्या होगा एक तरह से हाँ टोटल एरिया यहाँ पर जो है वो यहाँ पर टोटल एरिया एक तरह से ये पूरा सर्किल है टोटल एरिया मतलब एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ इक्वेटर ट्राइंगल एरिया ऑफ इक्टर ट्रैंगल होता है रूट थ्री स्क्वायर बाई फोर साइड हमने फाइन कर ही लिया है इक्वेलेटर ट्रैंगल की तो साइड हमने अभी फोर्टी -रू, एट रूट थ्री कुछ इस तरह से फाइन करी है अभी हमने तो इक्वेटर ट्रैंगल को माइनस कर देंगे ये हट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास ये डिजाइन है डिजाइन है इसका एरिया आ जाएगा तो सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया हटाएंगे तो डिजाइन का एरिया बचेगा तो वो आ जाएगा इस तरह से फाइंड कर लेंगे ट्रायंगल uh, का एरिया होता है ए साइड है थर्टी टू रूट थ्री है ये एरिया ऑफ स्क स्क्वायर होता है आर गिवन थी थर्टी टू का स्क्वायर तो यहाँ पर डायरेक्ट सब्ट करें अलग अलग फाइंड ना करके आप डायरेक्ट सब्ट कर सकते हैं इसको सेवेंथ क्वेश्चन यहाँ पर में एरिया ऑफ़ ऑफ़ साइड स्क्वायर है और सेंटर विथ सेंटर्स एबीसीडी स्क्वायर विथ सेंटर एबीसीडी फोर सर्कल्स आर ड्रॉन एबीसीडी ये जो सेंटर्स लेके सर्कल बनाए गए हैं चार फिगर गिवन है एक्सटर्नली टच कर रहे हैं ये आपस में रिमेनिंग थ्री सर्कल्स को एक सर्कल जो है एक्सटर्नली तो इस तरह से फिगर गिवन है तो शेडेड एरिया फाइंड करना है और यहाँ पर uh, क्या गिवन है हमें यहाँ पर जो गिवन है हमें रेडियस गिवन है तो सर्किल की रेडियस गिवन है हमें सेवन सेवन इज द रेडियस ऑफ सर्किल जो की गिवन है सारे सर्किल्स की रेडियस हमें कितनी गिवन है सेवन तो एक तरह से साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ जाएगी फोर्टीन आ जाएगी तो साइड ऑफ स्क्वायर फोर्टीन आ जाएगी तो यहाँ पर टोटल एरिया एक तरह से एरिया ऑफ स्क्वायर है यहाँ पर टोटल एरिया क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर जो की होता है साइड इंटू साइड फोर्टीन इंटू फोर्टीन टोटल एरिया माइनस अनशेडेड एरिया करेंगे अनशेडेड एरिया में चार क्वारेंट आ रहे हैं चार क्वारंट आ रहे हैं तो वही फॉर्मला लागे थ्री सिक्सटी पाई पाईआर स्क्वायर थीटा नाइन्टी लेते हैं नाइन्टी अप्री सिक्स टू पाईआर स्क्वायर क्वारेंट केस में नाइन्टी लेते हैं थीटा यहाँ पर यहां या डायरेक्ट आप वन बाय फोर पाईआर स्क्वायर ले सकते हैं के केस में नाइनटी पॉइंट थ्री सिक्सटी वन बाई फोर ही होगा तो क्वाड्रेंट सर्कल का वन फोर्थ हिस्सा होता है तो वन अपॉन फोर पाईआर स्क्वायर आ जाएगा फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा तो पाईआर स्क्वायर आएगा एक तरह से चार क्वाड्रेंट तो स्क्वायर में से ये चार क्वाड्रेंट हट जाएंगे ये तो हमारा बच जाएगा शेडेड एरिया ये चारों क्वाड्रेंट हटा देंगे तो फोर इंटू वन बाय फोर स्क्वायर एक तरह से चार क्वाड्रेंट मिला के एक सर्किल ही बन गया पाईआर स्क्वायर आ गया तो वन नाइनटी सिक्स माइनस स्क्वायर पाई इंटू आर स्क्वायर आर यहाँ पर कितना है आर यहाँ पर रेडियस जो है पाई uh, की वैल्यू ट्वेंटी टू अपॉन सेवन और रेडियस कितनी है सेवन है रेडियस सेवन गिवन है तो सेवन रख देंगे 7 का square, एक 7 से 7 हो गया तो वन नाइनटी सिक्स माइनस ट्वेंटी टू आ जाएगा वन नाइनटी सिक्स माइनस ट्वेंटी टू इंटू सेवन ट्वेंटी टू इंटू सेवन भी करेंगे ट्वेंटी टू की सेवन में मल्टीप्लाई होगी तो वन फिफ्टी फोर होगा तो वन नाइनटी सिक्स माइनस वन फिफ्टी फोर कितना आ जाएगा इसका आंसर फोर्टी टू फोर्टी टू स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर जो भी होगा फोर्टी टू आ जाएगा इसका आंसर फोर्टी टू मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी होगा फोर्टी टू uh, आ जाएगा इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसको डायरेक्ट एक लाइन में करें अलग अलग एरिया फाइंड ना करके हम डायरेक्ट एक एक ही स्टेप में माइनस कर सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फोर क्वाड्रेंट तो शेडेड एरिया फाइंड हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं यहाँ पर रेसिंग uh, ट्रैक uh, दे रखा है रेसिंग uh, ट्रैक दे रखा है हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर जिसके लेफ्ट और राइट एंड्स जो है वो सेमी सर्कुलर है डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरल लाइन सिक्सटी सिक्सटी दे रखी है इनर पैरल लाइन्स के बीच का डिस्टेंस डेट मीन ये हमें दे रखा है अंदर वाला जो डिस्टेंस है वो सिक्सटी गेवन है तो रेडियस हो जाएगी इनर रेडियस स्मॉल आर जो हो जाएगी वो थर्टी हो जाएगी इनर रेडियस और विथ दे रखी है टेन विथ टेन दे रखी है तो ये जो चौड़ाई है अंदर की ये ये टेन है विथ टेन है तो कैपिटल आर जो हो जाएगी वो थर्टी प्लस टेन एक तरह से फोर्टी आ जाएगी कैपिटल आर बड़ी वाली रेडियस जो बड़े वाले सर्किल आउटर सर्किल की रेडियस आएगी वो फोर्टी आएगी और इनर वाले सर्किल की आएगी थर्टी तो अभी अंदर का डिस्टेंस भी दे रखा है सिक्सटी एन के बीच का डिस्टेंस तो सिक्सटी से आर आ गई स्मॉल आर थर्टी आ गई और टेन भीड करते ही फोर्टी इसकी कैपिटल आर आ गई बड़ी वाली रेडियस आ, आउटर रेडियस मीटर में तो यहाँ पर आ, साथ में हमें ये भी गिवन है Uh, 106 मीटर लॉन्ग है दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग तो स्मॉल आर कैपिटल आर हमने फाइन कर लिया है थर्टी एंड फोर्टी और इनकी जो लेंथ दे रखी है वो 106 दे रखी है 106 इज द लेंथ तो 106 जीरो ही होगी 106 नीचे होगी तो 106 ये लेंथ है तो 106 ये 106 होगी और हमें पेरीमीटर फाइन करना है डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज तो डिस्टेंस फाइन करनी है अलोंग अलोंग द इनर एज तो इनर एज के अगर डिस्टेंस फाइंड करनी है तो वन जीरो तो पर अगर इनर एज देखें तो हम क्या क्या ऐड कर रहे हैं ये वन जीरो सिक्स है और ये पाईआर मतलब सेमी सर्कल का पेरीमीटर टू पाईआर होता है पूरे सर्कल का टू पाईआर होता है पूरे सर्कल का पेरीमीटर होता है बट यहाँ पर टू सेमी सर्कल है तो इसका पाईआर होगा और प्लस ये वन जीरो सिक्स फिर आ जाएगी और प्लस पाईआर ओके तो यहाँ पर इनर ट्रैक का जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो इतना डिस्टेंस हो रहा है 106 है 106 नीचे है ऊपर नीचे आर इधर है और आर लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड है तो पाई इस सरकम इसकी सरकमफेरेंस है हाफ की और आर दूसरे वाले सर्कल की सेमी सर्कल की सरकम है तो इस तरह से डिस्टेंस आ जाएगी इनर के अलोंग 106, 106 हो जाएगा 216 और 2 r आ जाएगा और आ हमें small r अभी हमने थर्टी फाइन करी थी पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू इंटू ट्वेंटी पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन और स्मॉल आर हमें पता थी थर्टी तो इसको सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा स्मॉल आर हमें थर्टी पता ही है तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा पेरीमीटर का तो पैरीमीटर तो आराम से आ जाएगा इसका पैरीमीटर कहिए डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक कहिए इनर डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे टू वन ये टू पाई आर पूरे सर्किल का होता है इसलिए हाफ पाई आर एक तरह से पाई आर ये एक तरह से तो टू वन जीरो सिक्स वन जीरो सिक्स तो टू हुआ था वन जीरो आएगा एंड ये कितना हो गया जो अभी हमने बताया था पाई आर और प्लस पाई आर टू पाईआर हो जाएगा ये वाला पाई आर था आ, तो हम इसको ऐड कर देंगे पाई आर ये वाला और पाई पाईआर ये वाला तो कितने हो जाएंगे टू पाई आर तो इसको ऐड कर लेंगे आंसर हमारा इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे इसको सॉल्व करेंगे आर स्मॉल आर हमें पता था थर्टी था, था पाई ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन पुट करेंगे तो आ जाएगा इस तरह से डिस्टेंस अराउंड द इनर ट्रैक इनर ट्रैक है तो इनर रेडियस ली है स्मॉल आर थर्टी और अभी हमें एरिया फाइंड करना है सेकेंड पार्ट में शेडेड uh, एरिया या ये कहिए एरिया ऑफ ट्रैक एरिया ऑफ ट्रैक जो है यहाँ पर वो शेडेड एरिया ही है जो अंदर ये शेड किया गया है तो यहाँ पर शेडेड एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे uh, इस शेडेड एरिया के लिए हम uh, दो तरीके लगा सकते हैं लेकिन अभी हम uh, एक मेथड क्लियर करते हैं पहले कंफ्यू uh, कंफ्यूजन से बचने के लिए हम एक मैथड क्लियर करेंगे पहले हमें शेडेड एरिया फाइंड करना है तो बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटा वाला रेक्टेंगल माइनस करते हैं एंड बड़े वाले सेमी सर्कुलर में से छोटा वाला सेमी सर्कुलर आ, आर्क माइनस करते हैं और ऐसे दो है हमारे पास आर्क तो इस तरह से फाइंड कर लेंगे हम तो एक तो मेथड ये रहा हमारे पास और एक दूसरा मेथड भी है वैसे तो आ, लेकिन एक मेथड ये तो इजी है बड़े वाले रेक्टेंगल में से हम माइनस करते हैं एक तरह से हमारे पास जो ट्रैक था वो ये गिवन था तो ये वाला ट्रैक गिवन था तो इसमें क्या किया गया है बड़े वाले रेक्टेंगल में से माइनस कर दिया ये छोटा वाला रेक्टेंगल दैट अंदर वाले रेक्टेंगल को इसको हटा दिया तो क्या बचेगा ये वाला शेड बचेगा ये शेडेड एरिया ये शेडेड एरिया इस तरह से फाइंड हो जाएगा बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटा वाला माइनस करके ये शेडेड एरिया आ जाएगा ओके okay, यहाँ पर तो ये किया है उसके बाद यहाँ पर जो किया है ये दो बार किया है तो दो बार क्यों किया है ये बड़े वाले सेमी सर्कल एक तरह से हाफ वाई आर स्क्वायर फोटी लिया है कैपिटल आर बड़े वाले जो सेमी सर्कल है उसमें से छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया हटाया है तो हमारे पास ये आ जाएगा इधर वाला एरिया इसी तरह से हम दूसरी साइड भी वही करेंगे दूसरी साइड भी वही किया गया है तो बड़े वाले सेमी सर्किल बड़ी वाली रेडियस लेंगे फोर्टी उसमें से माइनस किया हमने छोटा वाला छोटे वाले का एरिया हटा दिया तो क्या बचेगा हमारे पास ये वाला शेडेड एरिया बचेगा तो वही किया गया है तो ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है इसको सॉल्व कर लें या इसमें हम इसको एक बार और एक बार ऐसे ना करके इसको दो बार लिख लें तो ये एक एक बार सॉल्व ना करके इसको टू टाइम्स कर सकते हैं हम टू टाइम्स ऑफ इसकी जगह क्या लिख सकते हैं एक तरह से हम टू टाइम्स कर सकते हैं तो ये तो आराम से सॉल्व हो जाएगा वन जीरो सिक्स वन जीरो सिक्स कॉमन ले लेंगे एट्टी माइनस सिक्सटी बचेगा अंदर तो एट्टी माइनस सिक्सटी आ जाएगा ट्वेंटी तो ये आराम से हो जाएगा और यहाँ पर क्या करेंगे टू की मल्टीप्लाई करके एक तरह से इन्हें ऐड ही करना है जो जो साइड में जो साइड में शेड हो रहा था सेमी सर्कुलर एरिया में जो शेड हो रहा था तो ऐसे टू बन रहे हैं सेमी सर्कुलर हिस्से तो टू बन रहे हैं और एक का एरिया होता है हाफ बाई आर स्क्वायर हाफ पाई कैपिटल आर स्क्वायर मतलब फोर्टी का स्क्वायर माइनस हाफ पाई उसका थर्टी का स्क्वायर स्मॉल आर का स्क्वायर मतलब थर्टी का स्क्वायर तो इस तरह से सॉल्व करेंगे हाफ दोनों में से कॉमन आ जाएगा यहाँ पर तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे टू वन टू जीरो आ जाएगा और ये हाफ अगर कॉमन लेंगे हम दोनों में से तो हाफ दोनों में से कॉमन आ रहा है आ, पाई भी कॉमन आ सकता है वैसे तो पाई भी कॉमन लिख सकते हैं पाई भी कॉमन ले लेंगे तो फोर्टी का स्क्वायर माइनस थर्टी का स्क्वायर बचेगा अंदर तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे पाई की वैल्यू रख देंगे टू से तो टू कैंसिल हो जाएगा पाई यहाँ पर बाहर कॉमन है तो पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन रख के इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं फोर्टी का स्क्वायर माइनस थर्टी का स्क्वायर दैट मींस ए प्लस बी ए माइनस बी फोर्टी प्लस थर्टी फोर्टी माइनस थर्टी या इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं फोर्टी का स्क्वायर होता है सोल सिक्सटीन हंड्रेड एंड थर्टी का स्क्वायर होता है नाइन हंड्रेड तो सिक्सटीन फोर्टीन uh, का स्क्वायर होता है सिक्सटीन हंड्रेड और थर्टी का स्क्वायर नाइन हंड्रेड होता है कितना आ जाएगा सेवन हंड्रेड आ जाएगा तो ऑलरेडी यही आ रहा है टेन इंटू सेवनटी सेवेंटी हंड्रेड ही आ जाएगा ट्वेंटी टू बाई सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे एल सी हम लेकर सोल्व करें या फिर ये डायरेक्ट कैंसिल भी हो रहा है तो इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे हम सेवन से कैंसिल करके सेवन टेन सेवेंटी हंड्रेड आएगा तो बाईस सौ हंड्रेड की ट्वेंटी टू में मल्टीप्लाई होगी तो ट्वेंटी टू हंड्रेड हो जाएगा इसकी ऐड कर देंगे इसको टू वन टू जीरो के साथ तो इस तरह से हमारा आंसर मिल जाएगा फोर थ्री टू जीरो तो इस तरह से एरिया फाइंड हो जाएगा शेडेड एरिया या शेडेड क्या है शेडेड रीजन जो आएगा एरिया ऑफ ट्रैक ये हम इस तरह से फाइन कर लेंगे तो अभी इसमें हम एट तक के क्वेश्चन क्लियर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन भी समझा दिए एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे का वीडियो देखें आप